डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कुलाबा फोर्ट और ये सेकेंड पार्ट है। इसके अंदर हम बहुत सारी दिलचस्प चीजें देखने वाले हैं। समंदर के बीचों बीच यानी दरमियान में ही ये किला बनाया गया है, ये फोर्ट बनाया गया है और 18वीं सदी के अंदर ये किला तामीर किया गया था। यहाँ से हम पूरे समंदर को देख सकते हैं, काफी खूबसूरत किला है। कान्होजी आंगड़े की यादें इस फोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। इस किले पर पुर्तगीज सिद्दी और एस इंडिया कंपनी ने भी हुकूमत की थी। काफी लंबा ये किला बनाया गया है। दक्षिण की तरफ 900 फीट और पश्चिम की तरफ 350 फीट ये किला लंबा बनाया गया है और इसके दो प्रवेश द्वार हैं। ये देखिए, यहाँ पर पुरानी इमारतें थी। इस किले के दो प्रवेश द्वार हैं। इस किले के अंदर कई छोटी बड़ी इमारतें मौजूद थी। इसी किले के अंदर मीठे पानी का तालाब भी है और एक खूबसूरत दरगाह भी है, कई सारे मंदिरें भी हैं। पैदल इस किले के अंदर 1700 घुड़सवार इस किले के अंदर थे। कान्होजी आंगड़े इसी किले से मुंबई से लेकर जंजीरे के किले तक नजर रखते थे। अजीज साथियों, आप यहां से देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत किला नजर आ रहा है। ये देखिए, इस किले की स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी और इसे मुकम्मल जो किया था ये संभाजी महाराज ने। इस किले को फतह करना आसान नहीं था क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच में बनाया गया था। यही वो तालाब है, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये किला है। चारों तरफ इसके पानी ही पानी है और बीच में समंदर के बीचों बीच ये किला बनाया गया है, इसीलिए ये किला काफी अहम समझा जाता था पर इसे फतह करना आसान नहीं था। इसी किले के अंदर छोटी बड़ी इमारतें मौजूद थी। इसके अंदर महल, दरगाह, तालाब, मंदिर, ये सारे इमारतें इसी किले के अंदर बनाई गई थी। यहाँ से देखिए अलीबाग शहर भी नजर आ रहा है, काफी खूबसूरत ये शहर है। यहाँ पे जरूर आइए और इस शहर को जरूर देखिए, इस किले को भी जरूर देखिए। ये देखिए, यही वो दरगाह है, काफी खूबसूरत ये दरगाह है। आइए दोस्तों, अब हम इस दरगाह की जियारत करते हैं। ये देखिए हजरत हाजी कमालुद्दीन दरबार, ये दरगाह है। और अजीज दोस्तों, इसी किले के अंदर मंदिर भी है जो इस बात का सबूत है कि हिंदू मुस्लिम एकजुटी के साथ मिलजुल कर इस किले के अंदर रहते थे। शिवाजी महाराज मुसलमानों की काफी इज्जत करते थे। ये देखिए, ये यहाँ पर ये आलीशान किला नजर आ रहा है जो समंदर के बीचों बीच है। यहाँ से आप समंदर का नजारा देख सकते हैं। काफी लोग इस किले को देखने को आते हैं। इसी किले पर हमने देखी थी कि पुर्तगीज सिद्दी और एस इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। हर कोई इस किले को फतह करना चाहता था और इसी किले की मदद से कान्होजी आंगड़े मुंबई से लेकर जंजीरा तक के इलाके तक नजर रखते थे। अपने हुकूमत का कारोबार चलाने के लिए समंदरी किले की काफी अहमियत थी। ये एक तारीखी किला है। इसके द्वार पर बहुत सारी मालूमात लिखी गई है। ये आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर देखने को मिलेंगी। बहुत सारे फॉरेनर भी इस किले को देखने को आते हैं यहाँ पर।